Watch awesome shows and videos every week on TVF Play app and website. Because it's not on TV, it's on TVF. साहब, मच्छर, कीड़ा, कॉकरोच है हमारे पास, नहीं चाहिए। क्या है यार? साहब, मच्छर, कीड़ा, कॉकरोच मारने आए हैं। वो क्या है, दिवाली आ रहा है तो सोसाइटी में सब जगह दवा डाल रहे हैं। फ्री है? क्या साहब, घर कितना गंदा कर रखा है आप लोगों ने। मकान मालिक घर आके कभी देखता नहीं है क्या? सफेद टाइल्स पे सब गंदा ही लगता है। और देख भाई, पब्लिक में बोनर और घर में ओनर, हम कभी नहीं चाहते। पर जब वो घर आने के लिए फोन करता है तो क्या बोलते हो? बोलना क्या है, ट्रिप पे निकल जाते हैं। नाम लिया, फोन आ गया। हेलो, हाँ सर, नहीं सर, घर पे नहीं है, हम तो रन ऑफ का चाय में। अब सर आए हैं तो कुछ दिन तो गुजारेंगे गुजरात में। क्या मतलब, पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारा बाप खड़ा है। ओ तुम, आप? नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। अब जाके तो घर का पूरा एड्रेस याद हुआ है सर। प्लीज हमें घर से मत निकालिए सर। अब पक्के से घर साफ रखेंगे सर। हाँ सर, बहुत यादें जुड़ी हुई है सर इस घर से। वेट से लेके वर्जिनिटी तक सब कुछ ये लूज किया सर। अरे निकालो इनको, एक तो घर गंदा रखते, ऊपर से ये मुस्लिम सरदार भी इनके साथ रहता है। सर पाकिस्तानी सरदार। और इसका बाप आए दिन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाता है। सर वो समझौता एक्सप्रेस के ड्राइवर हैं। अरे तो तुम भी समझौता करो और चारों इंजन में बैठ के लाहौर निकल लो। बंसल साहब निकाल कर फेंकिए इन चारों को। इस सोसाइटी में इन बैचलर्स के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, मैं तुम लोगों को घर से नहीं निकालूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम जब ओनर घर आने वाला होता है, तुम ट्रिप पे निकल जाते हो। अब मैं करवाता हूं तुम्हारी बैड ट्रिप। 5 दिन बाद दिवाली है, घर का एक एक कोना साफ करके दिखाओ तो मैं आने वाले 3 महीने का रेंट माफ कर दूंगा। आई एम सीरियस। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो बदले में नेक्स्ट मंथ तुम लोग मुझे ट्रिपल रेंट, मतलब 3 गुना रेंट दोगे। बोलो, शर्त मंजूर है? ए भुवन, इसकी बातों को बताओ भुवन, कुछ मत कहना। ठीक है, मैं शर्त बढ़ाता हूं। अगले 3 महीने का रेंट तो माफ होगा ही, प्लस आने वाले 3 महीने तक तुम लोगों का सारा माल मैं क्रश करूंगा। भुवन, शर्त मंजूर मत करना। कॉलेज के हॉस्टल में सुपर सीनियर बनकर रह लेंगे, वहां तो जूनियर्स क्रश कर ही देंगे। हाँ भुवन, नहीं तो पास वाली दरगाह में रह लेंगे, रणबीर की तरह कुनफा कुन गाएंगे, शाम को चाय के साथ रस भी मिल जाएंगे। Shut up! बोलो, शर्त मंजूर है?
शर्त मंजूर है। हमने कहा था कि शिल्पी को मत छोड़ना। अरे रेगुलर सेक्स मिलता था तो दिमाग तो चलता था तुम्हारा कम से कम। अरे 5 दिन बाद दिवाली है, घर कैसे साफ होगा? वन 5 दिन में तो हमें यह याद आता है कि 5 दिन पहले बाल्टी में कपड़े भिगोए थे। ये तूने क्या किया बॉय? हम बैचलर ज्यादा से ज्यादा हार्ड डिस्क क्लीन कर सकते हैं, घर नहीं। भुवन देख के नाथों को, इनको सुबह सुट्टा, शाम को खंबा और रात में टिश्यू चाहिए होता है, और तू इन हाथों में झाड़ू थमाना चाहता है? और कोई ऑप्शन था? घर छोड़ के कहां जाते? और आजकल कौन देता है बैचलर्स को घर? अरे ये मौका है, मौका। सोचो अगले 3 महीने का रेंट ही माफ, जानते हो इसका मतलब? सोच बतरी, हम सिगरेट वाला, पानी वाला, टिंडर वाली का बॉयफ्रेंड, सबके पुराने उधार चुका के नया उधार चढ़ा सकते हैं। अब थिएटर के अंधेरे में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक चुरानी पड़ेगी, क्योंकि नाचोस हमारे खुद के होंगे। और अब एक बाइक पे ट्रिपलिंग करने की भी जरूरत नहीं है, अब तो चौपलिंग कर सकते हैं ना, क्योंकि ठुल्ले को खिलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी तो होंगे हमारे पास। भुवन के सारे सपने सच होंगे, कि हम भी बंदियों को कैन आई बाय यू अ ड्रिंक, लेट मी पे और कीप द चेंज कह पाएंगे। हाँ जस्सी, सच और साहस भले ही जिसके मन में हो, पर अंत में तो जीत बैचलर्स की ही हो गई। झूठे सपने दिखाना बंद कर दे भुवन, घर साफ करेंगे, इससे अच्छा मैं लाइफ में सीरियस ना हो जाओ। चल जस्सी। चापलिंग करेगा अरे बहुत आसान है बिना गिराए कप में चाय डालना, बहुत आसान है। इसी से तो गंदगी होती है। ये देखो छलनी लगाओ और सर सरा के चाय सीधा कप में। देखा, गिर गया। क्यों गिरा पता है? क्योंकि सिगरेट ज्यादा पीने से हाथ कांपते हैं। आज से सिगरेट बंद। सिगरेट छोड़ेंगे? अरे सीधे काम में मेहनत लगे है, कोई बियर का मग थोड़ी है कि टेढ़ा किया और डाल दिए। शक्कर थोड़ी ज्यादा है, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। क्लीन दिस शिट। आखिरी बार किसी पाकिस्तानी को कप उठाते 92 वर्ल्ड कप में देखा था? ए चूतिए, 2009 का T20 भूल गया? एक्सक्यूज मी, मैं कम इन? तो पूरे घर में जो जो एरिया ऑलरेडी साफ है वो है बाहर के दरवाजे का डोरमैट। भुवन ने अगर लेना पड़ेगा। No, wait. तो मान लो तुम्हारे बने बनाए पैग में किसी ने ऐश झाड़ दिया, तो तुम क्या करोगे? नया पैग बनाओगे? बैंड गर्ल, कैसी बातें कर रही हैं आप? 140 का तो कॉन्ट्री करके हम खंबा लाते हैं, उंगली से ऐश निकाल देंगे और पैग क्लियर। एग्जैक्टली भुवन, राइट? या तो ये घर तुम्हारा पैग है, ये सारा कचरा ऐश और ये झाड़ू तुम्हारी उंगली, और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि घर कैसे साफ करते हैं। गूगल से तो हम भी सीख लें। अरे नहीं, घर की क्लीनिंग और दिवाली डेकोरेशन के लिए 9 ऐप्स पे ऐप ढूंढ रही हूँ। इस पे सारे ऐप्स होते हैं। आप लोग बैचलर और ब्रोक हो ना? प्राइस कंपैरिजन भी हो जाता है। गोरी मेम, ये तो ओनर की बेटी है, पर ये क्या साफ सफाई सिखाएगी? लड़की है, परिवार वालों के साथ रहती है। मैंने तो सुना है 2 टाइम ब्रश करते हैं और पैर वैर धो के सोते हैं। क्या? तो फिर तो हमको ही भुवन की मदद करनी चाहिए।
सही कह रहा है तू, और देख देख कितनी हॉट है। चल 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 चल। भुवन अब हम भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ भुवन हम तुम्हारे साथ हैं। ये हुई ना बात, मुट्ठी बंद रही है। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो नर की हार। हाँ बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो नर की हार। हाँ ये क्या कर रहे हो? यही तो करना होता है, पहले झाड़ू से सारा कचरा समेटो और दरवाजे के पीछे घुसेड़ो। हर कमरे में यही करना है, कचरा समेटो घुसेड़ो समेटो घुसेड़ो समेटो घुसेड़ो। क्यों भाई लोग? कोई कोना छूट न पावे, झाड़े चलो झाड़े चलो, टी-शर्ट को पोछा बना के मारे चलो। सदियों से जमी है काई, अब रगड़ भी दो रगड़ भी दो। से जुबाई करियाते हुए गई थी वो, टूटी पड़ी थी जो बियर की बोतल, साफ है कर दी पहन के चप्पल। कुछ खाने को है क्या? अरे शंभू डांस बार की बिरयानी, ये अभी भी चलता है? मुझे तो लगा ये 3 महीने पहले ही बंद हो गया। अरे पर हॉस्टल में तो यही करते थे, चद्दर उल्टी बिछा दी और तकिए को उसके नीचे छुपा दिया। ओ अच्छा, दिवाली की मिठाई भी मंगा ले, इसके बाप को खिलाएंगे शर्त जीतने की खुशी में। अबे हमारा कचरा चोरी हो गया यार। ए ए ए इधर इधर, ये क्या किया तूने? हमने कछु नहीं किया साहब, हम तो बस आपके घर के बाहर कचरा देखा तो हमने उठा के रख दिया इसमें। ए शिव बद्री जस्सी, क्या हुआ क्या हुआ? ए कचरा करके बता जो तूने अभी किया। ये तो हमारा रोज का काम है साहब। अरे करके बता ना। देखा, हमें बस कचरा बाहर लाके रखना है, वो अपने आप लेके चला जाएगा। सही खेल गया बैंचो। We'll be right back.
ये दाग बहुत जिद्दी है, ये दाग बहुत जिद्दी है। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं जिद्दी, कोई बात नहीं, जाके सो जा, मैं संभाल लूंगा। चार दिन पहले जो बीती उसके बाद ढंग से सोया कहां था? हैंगओवर में घूम रहा था। भुवन हमको माफ कर दो, हम ज्यादा पी लिए। भुवन हमने कहा था कि शिल्पी को मत छोड़ना। बद्री आराम से, बद्री बद्री आराम से, बियर खत्म हो जाएगी। ओनर की वजह से देख क्या हाल हो रखा है हमारा। सफाई चाहिए थी ना उसे, सफाई चाहिए थी ना उसे। जो मैं कर रहा हूं सफाई, जो जो तू साफ कर रहा है वो डिस्पोजेबल प्लेट है। सर आप कब आए? ऐसे बात नहीं करते, तुम गए ही नहीं अभी तक, घर तो पूरा साफ है। माथुर साहब, एग्जाम के एक रात पहले चाहे कितना भी सिलेबस पूरा कर लो, एक चैप्टर तो छूट ही जाता है। वान, तू किचन साफ करके सोया था ना? वान, वान, सीधे सीधे क्यों नहीं बता रहा? बता ना यार। तू रो क्यों रहा है? वान, वान, किचन साफ करके सोया था ना तू? वान, वान, चुप क्यों बैठा है? बोल ना। वान, 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 क्या हो गया? हो गया? ये बैचलर्स चाहे कितना भी घर साफ कर लें, किचन साफ करना कभी नहीं सीख पाएंगे। अगली बार घर में आइएगा तो जूते उतार के घुसिएगा, समझे? सुनिए, नया स्टॉक आया है, जाइए क्रश करके लाइए जल्दी। हैप्पी दिवाली सर। बी तू सोने भाई, कैसे यार किचन कैसे साफ किया तूने? तू प्रैंकस्टर बन, तू क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया यार। तो फिर किसने किया? अरे उठ गए तुम लोग। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे, ब्रश ब्रश किया कि नहीं? आंटी
आंटी आंटी आंटी मम्मी आप। और उस रात ओनर की बेटी ने सही वक्त पे भुवन की मां को कॉल कर दिया था, क्योंकि ये किचन साफ करना मां से बेहतर कोई नहीं जानता। ओनर की बेटी ने इन लौंडों की लाइफ देखकर आजीवन बैचलर रहने का निर्णय लिया, और उस दिवाली फटते पटाखों के बीच ओनर की कान फटने की आवाज कहीं खो गई। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा। एंड यूज 9 एप्स टू डाउनलोड ऑल द एप्स यू नीड दिस दिवाली। और 9 एप्स का कंपैरिजन फीचर आपको दिला आपका फेवरेट प्रोडक्ट सबसे लीस्ट प्राइस पे। एंड 9 एप्स विशेस यू वेरी हैप्पी एप वाली दिवाली। और टीवीएफ की तरफ से बाकी सबको रेगुलर हैप्पी दिवाली। आल्सो डाउनलोड टीवीएफ प्ले ऐप टू वॉच सम ऑसम शोस। हां वो तो अंडरस्टूड है।